आप में से बहुत सारे लोग गाड़ी परचेस करने वाले हैं और सोच रहे होंगे थोड़ा बजट और बढ़ा के सनरूफ वाली गाड़ी ले लेते हैं, लेकिन आपके दिमाग में ये बात भी आएगी, सनरूफ वाली गाड़ी लेने से हमें नुकसान है फायदा है, क्या हमें इतने पैसे खर्च करके गाड़ी इतनी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, उससे फायदा कितना होगा और नुकसान कितना होगा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा सनरूफ वाली गाड़ी में क्या फायदा है और क्या नुकसान है। चलिए सबसे पहले फायदे की बात करते हैं। देखिए सनरूफ में सबसे पहला फायदा, डायरेक्टली कभी नहीं होता सनरूफ के अंदर फायदा, इनडायरेक्टली फायदा होता सनरूफ में। फायदा क्या है कि सबसे पहले जो लुक है वो प्रीमियम गाड़ी वाली लुक आती है सनरूफ के अंदर। मैक्सिमम लोग सनरूफ को इसलिए परचेस करते हैं ताकि गाड़ी के अंदर एक प्रीमियम वाली लुक आए। टाटा नेक्सॉन के अंदर क्या कर दिया उन्होंने, मिड वेरिएंट के अंदर ही सनरूफ दे दी और काफ़ी अफोर्डेबल बना दिया उस गाड़ी को सनरूफ के साथ। लेकिन बाकी किसी भी गाड़ी के अंदर टॉप ऑफ द लाइन जो वेरिएंट है उसके अंदर सनरूफ आती है तो वैसे ही वो प्रीमियम वेरिएंट हो गया उस गाड़ी का। दूसरा जो रीज़न है वो मैंने जो कहा है, डायरेक्टली कभी नहीं होता, इनडायरेक्टली होता है। मान लीजिए आपकी गाड़ी धूप में खड़ी हुई है, आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं और इतनी उबल रही होती है गाड़ी, तो आप तुरंत एसी को ऑन करते हैं, विंडोज़ डाउन करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि गर्म हवा ऊपर रहती है और ठंडी हवा नीचे रहती है, तो जो एक्चुअली में गर्म हवा है वो सनरूफ के पास रहती है अगर गाड़ी के अंदर सनरूफ है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले टिल्ट बटन दबाना है आपको हवा निकालने के लिए ताकि ब्लोअर से हवा आए और सनरूफ के थ्रू निकल जाए। और अगर खोल सकते हैं सनरूफ को तो और भी बेहतर रहेगा, सनरूफ को खोल दीजिए, गर्म हवा तुरंत निकल जाएगी, जिससे क्या होगा आपकी गाड़ी बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी एज कम्पेयर टू विदाउट सनरूफ कार। कई बार आपने फील किया होगा कि आप लंबा ट्रैवल कर रहे हैं और लंबा ट्रैवल करते करते हालांकि दिन का टाइम है आपको नींद आने लगती है। कभी आपने सोचा है कि आपको नींद क्यों आने लगती है, क्योंकि उस जगह पे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है दिमाग के अंदर। अब वो कैसे होता है, हम मैक्सिमम टाइम पे क्या करते हैं, जो विंड डायरेक्शन है यानी कि इनटेक है जो हवा का एसी के थ्रू, उसको हम बंद रखते हैं, हम अंदर की एयर को सर्कुलेट करते हैं, जिससे क्या होता है हम ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड गाड़ी के अंदर ज़्यादा होने लग जाती है। ऐसे कंडीशन के अंदर या तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप बाहर से हवा खींचना स्टार्ट करें और या फिर आप विंडोज़ को नीचे कर दीजिए जिससे आपकी हवा बाहर निकल जाए। लेकिन विंडोज़ को नीचे करना एक सही ऑप्शन नहीं रहेगा क्योंकि माइलेज कम हो जाएगी और हवा के ऊपर डायरेक्टली ब्लो लगेगा जिससे थकावट ज़्यादा होने लग जाती है। आपको पता नहीं होगा अगर आप विंडो खोल के गाड़ी चलाते हैं तो आपको थकावट ज़्यादा होने लग जाएगी। चलो वो तो एक अलग टॉपिक है, पहला ऑप्शन तो मैं कहूंगा कि आपको नहीं करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन, आप बाहर की हवा को अंदर लेते, देखिए बाहर की हवा अंदर ले तो लेंगे लेकिन जो अंदर एक्चुअली में हवा घूम रही है उसको कहाँ भेजेंगे, अगर बाहर से हवा अंदर आ भी रही है तो अंदर की हवा को भी कहीं बाहर जाना होता है ना भाई, तभी तो हवा का सर्कुलेशन होगा। ऐसी कंडीशन के अंदर आपके पास एक और ऑप्शन होता है, सनरूफ का टिल्ट ऑप्शन। उसमें क्या होता है, जैसे आप टिल्ट करेंगे तो सनरूफ का पीछे वाला हिस्सा ऊपर हो जाएगा और वहां से हवा डायरेक्टली निकल जाएगी, तो एक सर्कुलेशन बन जाएगा, ऑक्सीजन की सप्लाई दोबारा आ जाएगी और आपको थकावट कम होगी और आपको नींद कम आएगी। आपको लग रहा होगा ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये काफ़ी बचकानी है, ये कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन एक्चुअली में अगर थोड़ा रिसर्च करेंगे आप तो आपको एक्चुअली में मालूम चलेगा ये सब चीज़ें काम आती हैं लंबी ड्राइव के अंदर। फोर्थ फायदा क्या है, देखिए आपके पास दो गाड़ियां हैं, एक सनरूफ वाली गाड़ी है और एक विदाउट सनरूफ वाली गाड़ी। मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, आप ट्राई करना, अगर आपके दोस्त के पास हो ऐसा ट्राई करना एक्सपेरिमेंट, एक गाड़ी के अंदर सनरूफ खोल दीजिए पूरी और एक गाड़ी के अंदर सनरूफ तो है ही नहीं उस गाड़ी के अंदर, दोनों गाड़ी के अंदर घुस के देखिए एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो जो सनरूफ वाली गाड़ी है उसमें आपको ज़्यादा स्पेस वाली फीलिंग आएगी एज कम्पेयर टू विदाउट सनरूफ कार। तो सनरूफ होने से आपको स्पेस की ज़्यादा फीलिंग होगी, हालांकि टाटा नेक्सॉन के अंदर छोटी सनरूफ है फिर भी इतनी ज़्यादा स्पेस की फीलिंग होती है। सोच के देखिए जो क्रेटा जैसे सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं, हैरियर में जिसमें पैनोरमिक सनरूफ है, एक्सयूवी 500 जो आने वाली है उसमें पैनोरमिक सनरूफ आने वाली है, टाटा सफारी उसके अंदर सनरूफ पैनोरमिक सनरूफ आने वाली है, जीप कंपास जिसके अंदर पैनोरमिक सनरूफ है वहाँ पर वो ओपननेस की फीलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या फिर ऑडी लैंड रोवर इन सब में जो पैनोरमिक सनरूफ दी जाती है वो इसी पर्पज से दी जाती है कि आपको एक ओपननेस की फीलिंग आए। सोच के देखिए आपके ऊपर छत नहीं है, आपको पूरा सब कुछ दिखाई दे रहा है तो आपको लगेगा कि आप एक ओपन गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन जो कंफर्ट है वो एक क्लोज्ड गाड़ी का है। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं हमारे चैनल के साथ, मुंबई में अगर आप आसपास हैं तो मुझे ईमेल कीजिए contact@mymotorgaadi.com पे, या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल माई मोटर गाड़ी पे आप मुझे DM कर सकते हैं, हम डेफिनेटली आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे मुंबई के पास वाले लोगों के पास, क्योंकि बाहर जाना अभी पॉसिबल नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, अब सोचिए आप दिल्ली के अंदर रहते हैं या फिर कोई और भी सिटी के अंदर रहते हैं जहां पर गर्मी ज़्यादा होती है, आप सोचेंगे कि मुझे कोई फ़ायदा नहीं है सनरूफ वाली गाड़ी लेके क्योंकि यहां पर हमेशा गर्मी रहती है। लेकिन आप सोचिए कि आप मनाली साइड में गए जब स्नो गिर रही थी,
उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि मन करेगा कि काश सनरूफ होती तो मज़ा ही कुछ और आ जाता। देखिए हर चीज़ हर जगह काम आने वाली नहीं होती, लेकिन कई चीज़ें होती हैं जो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे चाहिए होती हैं, अगर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मिल जाए तो सोने पे सुहागा होता है। वैसे हर बार आप सिटी के अंदर ही सनरूफ नहीं खोलेंगे, आप जब बाहर जाएंगे तब आपको लगेगा कि सनरूफ खोल के काश मैं मज़ा ले पाता। तो जो गिल्ट रहता है मन के अंदर वो सनरूफ होने से वो चला जाएगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन रहेगा कि मैं सनरूफ खोल के उस हवा का मज़ा ले सकता हूँ, उस व्यू को एंजॉय कर सकता हूँ। और कई लोग बोलते हैं कि आप साल के अंदर एक ही बार जाएंगे माउंटेन्स के अंदर, एक ही बार घूमने जाएंगे, या फिर दो बार या तीन बार, इस घूमने के लिए आपको सनरूफ की ज़रूरत। लेकिन सोचिए जब आप घूमने गए हैं उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास सनरूफ हो गाड़ी के अंदर। एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ, देखिए जो लंबे बाल होते हैं ना उनका किसी भी टाइप का हेयर स्टाइल बनाया जा सकता है, लेकिन जो छोटे बाल होते हैं ना उनके एक लिमिटेड स्टाइल बनाया जा सकता है। इसी तरह अगर सनरूफ है, सनरूफ को क्लोज करके गाड़ी को चलाया जा सकता है, लेकिन सनरूफ है ही नहीं तो उसको ओपन करके बाहर देखने का कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। अब आते हैं नुकसान के बारे में। फायदा तो है, नुकसान भी उतना ही है। देखिए जैसे ही आप सनरूफ वाले वेरिएंट को परचेस करना चाहेंगे तो आपका जो कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो सबसे पहला नुकसान ये है कि आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे टॉप वेरिएंट लेने के बाद भी। जैसे ही आप सनरूफ वाला वेरिएंट लेंगे ना वैसे ही आपका इंश्योरेंस अमाउंट भी और बढ़ जाएगा, क्योंकि सनरूफ एक एक्स्ट्रा एक्सेसरी है जिसको इंश्योरेंस में कवर करना ज़रूरी होता है, ताकि उसमें कोई नुकसान होता है तो हमारे इंश्योरेंस के अंदर कवर हो सके। उसी तरह इंश्योरेंस का अमाउंट वैसे ही बढ़ जाएगा सनरूफ ऐड होते ही। तीसरा नुकसान ये है कि हमें हमेशा डर रहेगा, जैसे मान लीजिए आप नारियल के पेड़ के नीचे गाड़ी खड़ी करते हैं या फिर जहाँ पर कुछ गिरता रहता है वहाँ पर गाड़ी खड़ी करते हैं, तो ग्लास के टूटने का चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अगर नारियल गिर जाता है तो गाड़ी का कांच टूट सकता है। हालांकि कांच काफ़ी मजबूत हो, टफंड ग्लास लगाया जाता है, इतनी आसानी से टूटता नहीं है, लेकिन जब टूटता है तो नुकसान होता है। हालांकि उसको इंश्योरेंस में कवर किया जा सकता है, जैसे विंडशील्ड को कवर करते हैं इंश्योरेंस के अंदर, वैसे ही इसको भी इंश्योरेंस के अंदर कवर किया जा सकता है। अब कई बार ऐसा हुआ है जिनके अंदर पैनोरमिक सनरूफ होती है या फिर नॉर्मल सनरूफ होती है, कहीं बाहर गए हुए हैं घूमने फिरने के लिए, गाड़ी के ऊपर पत्ते वत्ते गिरे हुए थे, कोई मिट्टी विट्टी गिरी हुई थी, उन्होंने सनरूफ खोल दी और सनरूफ खोलने की वजह से जब अंदर की तरफ जाती है तो सारी मिट्टी अपने साथ अंदर लेके जाती है। उस कंडीशन के अंदर जो उसका ट्रैक है उसके अंदर मिट्टी फंस जाती है और जब बाहर जा रहे होते हैं सनरूफ बीच में अटक जाती है, जिससे क्या होता है गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, क्योंकि गाड़ी की सनरूफ फंसी हुई है और वैसे ही वैसी कंडीशन में रुकी रहेगी। अब ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है, आप कैसे इन चीज़ों से बच सकते हैं उसके लिए मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि सनरूफ का मेंटेनेंस कैसे करना होता है। सनरूफ लगाने से आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप बाहर की हवा ले सकते हैं, बाहर की हवा को फील कर सकते हैं बाहर निकल के, या फिर बाहर के व्यू को एंजॉय कर सकते हैं ऊपर देखकर। तो ये आपको फायदा मिलेगा सनरूफ होने के बाद, अगर सनरूफ नहीं है तो ये फायदा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि आपका कॉस्ट एक्स्ट्रा बढ़े, आप शहर में ही मैक्सिमम टाइम पे रहते हैं और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जब एक दो बार घूमने जाते हैं तो सनरूफ हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो डेफिनेटली आपको सनरूफ नहीं लेनी चाहिए। एक्स्ट्रा मनी स्पेंड करने का ये एक तरीका है कंपनीज की तरफ से कि वो आपकी जेब से एक्स्ट्रा पैसे निकलवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।